हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम कम्बिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में देखेंगे, है ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस को भी दो तरह से हम क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं या कंबाइन करते हैं। पहले हम सीरीज कम्बिनेशन एक को बोलते हैं और दूसरे को पैरेलल कम्बिनेशन बोलते हैं। तो आप सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी पढ़ चुके हैं, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर भी पढ़ चुके हैं, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी पढ़ चुके हैं, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पहला जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, और सेकंड कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि देखो क्या है कि L1 क्या है, सेल्फ, देखो यहां क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि करंट जो होंगे दोनों इंडक्टर में क्या होंगे, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जस्ट लाइक रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन, तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन एक ही हो गया एक टाइप का, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, L2 है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है A एंड A है, दूसरा एंड क्या है, B है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है। यहां देखोगे तो दोनों में क्या है, करंट सेम डायरेक्शन फ्लो रहा है, A एंड क्या है, B है। तो एक केस फर्स्ट ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहां जब सेल्फ इंडक्टेंस इक्वेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस 2N, ठीक है। क्या होगा इस केस में, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, जब सीरीज में सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस हो और दोनों क्वाइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हो, यदि नहीं दिया होगा तो हम इसको क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। और यदि क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है, दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है, और सीरीज में इस टाइप का सिचुएशन हो, क्या हो, इस टाइप का सिचुएशन हो, तो उस केस में LS इज इक्वल टू क्या होता है, L1 प्लस L2 प्लस 2N। केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड आप देख सकते हो कि इस केस में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है, इस केस में क्या है, ऐसे ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया, ये ए हो गया और ए एंड बी हो गया। तो यहां देखोगे इसमें भी करंट आई फ्लो हो रहा है, यहां भी आई होगा, लेकिन दोनों क्वाइल में यहां क्या है, करंट इन द बोथ द क्वाइल्स क्या है, फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट। तो यहां क्या है, करंट सेम डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहां क्या है, देखो ये इंडक्टर L1 है और ये क्या है, L2 है। इस केस में इसमें क्या है, क्वाइल इस सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्टर सॉरी इंडक्टर L1 में क्या है, करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है, और इंडक्टर L2 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहा है। इस केस में LS इज इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2N, ठीक है। क्या हो जाएगा, -2N। यदि इस टाइप का डायग्राम दिया हुआ है, क्या होगा कि व्हेन द करंट इन बोथ द इंडक्टर्स आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, देन टेक प्लस साइन, L1 प्लस L2 प्लस 2N इज इक्वल टू सीरीज इक्वेलेंट, इज LS स्टैंड फॉर सीरीज इक्वेलेंट ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। यदि दोनों क्वाइल में क्या होगा, दोनों इंडक्टर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो हम यहां क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि व्हेन क्या होगा, व्हेन इंडक्टर्स, एक पॉइंट में हम लिख लेते हैं, नोट में लिख लेते हैं, है ना, कि व्हेन इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, एंड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, देन क्या होगा, LS इज इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस माइनस क्या होगा, 2N, ठीक है। देन क्या हो जाएगा,
अब यहां क्या है, टेक टेक प्लस वी व्हेन करंट इन बोथ क्वाइल क्वाइल्स आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड जो है टेक क्या होगा, टेक टेक माइनस साइन, टेक माइनस साइन व्हेन, टेक माइनस साइन व्हेन व्हेन करंट इन बोथ क्वाइल आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट याद रखना है कि ये दिया हो कि व्हेन द क्वाइल इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस में क्या हो जाएगा कि एक में जो करंट फ्लो होगा उसके वजह से क्या होगा, दूसरे में कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, या फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट, उस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट यहां लिख लेना है कि व्हेन 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 इंडक्टर्स इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड आर एट ए वेरी लार्ज और लार्ज डिस्टेंस, देन क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और एल एस इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू, ठीक है। ये दो के लिए है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस इज सेम एज द क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, ठीक है। तो यहां इसके लिए है, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स इज सेम एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इंडक्टर रेसिस्टर, ठीक है। तो सीरीज में क्या करना है आपको, यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया रहेगा तो दो ही इंडक्टर के लिए पूछा जाएगा कि आप सीरीज इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो। यदि मोर देन टू क्वाइल्स होगा तो वहां म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं दिया रहेगा, आपको क्या दिया रहेगा, केवल सेल्फ इंडक्टेंस दिया रहेगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस यदि मोर देन टू क्वाइल्स होगा तो हम क्या लिखेंगे, एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। उसी तरह हम क्या लिखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखो ध्यान से, सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, ठीक है। पैरेलल में कुछ इस टाइप का सीन होगा, अगेन L1, L2, A एंड A हुआ, दिस इज एंड B, और इनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, M, M स्टैंड फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहां LP जो आएगा, देखो यहां भी तुमको मालूम है क्या होगा कि इनके और इनके बीच पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तुमको यहां से क्या होगा, करंट I आएगा, इधर से I1, इधर से क्या होगा I2, और इधर I चला जाएगा, ठीक है। तो LP जो होता है वो क्या होता है, L1, L2, ठीक है, माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2M होता है, ठीक है। क्या होगा, पैरेलल इक्विवेलेंट, पैरेलल इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना।
पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब यहां इसके बाद अगेन ये दिया रहेगा कि क्वाइल क्या होगा, इफ द टू इंडक्टर्स आर एट ए लार्जर डिस्टेंस, तो लार्जर डिस्टेंस पे होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। तो लिखेंगे कि व्हेन क्या होगा, व्हेन क्वाइल्स और इंडक्टर्स है ना, और इंडक्टर्स आर एट लार्जर डिस्टेंस देन अगेन एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और एल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल वन एल टू अपॉन क्या हो जाएगा, एल वन प्लस एल टू। ठीक है, तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि पैरेलल पैरेलल इक्विवेलेंट, पैरेलल इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज सेम एज सीरीज इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ सॉरी पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, आई मीन मोर देन वन होगा तो हम क्या लिखेंगे, वन अपॉन एल पी इज इक्वल टू वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू प्लस वन अपॉन एल थ्री प्लस सो। ठीक है, एक इसके लिए है, मोर देन वन इंडक्टर के लिए है। अब हम देखेंगे एलसी ऑसिलेटर, इसके बाद हम क्या देखेंगे, एलसी ऑसिलेटर। तो सीरीज और पैरेलल में क्या होगा कि जब भी देखो, क्या क्वेश्चन में कभी भी ऐसे दिया होगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में कुछ नहीं बताया गया होगा, बोला होगा क्वाइल जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है और पैरेलल में कनेक्टेड है लेकिन लार्ज डिस्टेंस पे, लार्जर डिस्टेंस पे, तो उस सिचुएशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। क्या मानते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम क्या कंसिडर करते हैं, जीरो कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा एक रिजल्ट इसमें बताया था कि एम इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल वन एल टू। तो आप ये तीन फॉर्मूला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है जेई में। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे एलसी ऑसिलेटर, क्या देखेंगे, एलसी ऑसिलेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है एलसी ऑसिलेटर में, देखो सिंपल, हम यदि मैकेनिकल ऑसिलेटर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि पार्टिकल का जो क्या होता है, पार्टिकल जो होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्या होता है, आई मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। उसी तरह इन एलसी ऑसिलेटर क्या होता है कि एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या होता है, ऑसिलेट होते रहता है। ऑसिलेटर में हमेशा ध्यान देना है कि ऑसिलेटर में हम कुछ इनपुट नहीं देते हैं, आई मीन कोई एक्सटर्नल, एलसी ऑसिलेटर में ऐसा नहीं है कि हम कोई पावर सप्लाई प्रोवाइड करें, कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां एलसी ऑसिलेटर में क्या होगा कि जो एनर्जी होगा है ना, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या होता है, ऑसिलेट होता है। कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, वहां क्या था कि पार्टिकल का, आई मीन मैकेनिकल ऑसिलेटर में क्या था कि पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन यहां क्या होगा, किसी भी चार्ज का, आई मीन चार्ज पार्टिकल का या चार्ज का जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। क्या हो जाएगा, चार्ज का जो एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, आई मीन चार्ज का एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैग्नेटिकल एनर्जी में, मैग्नेटिकल एनर्जी से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते रहेगा, लेकिन टोटल जो ऑसिलेट, टोटल जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ। इसमें भी दो तरह के ऑसिलेशन होते हैं, एलसी ऑसिलेटर में एक अनडैम्प्ड होता है, तो हम जो अभी पढ़ेंगे वो अनडैम्प्ड नहीं पढ़ेंगे, अनडैम्प्ड ही आपके सिलेबस में भी है ना। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होगा कि रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं, जब कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी इंडक्टर जो होता है हम आइडियल सिचुएशन मानते हैं, आइडियल में क्या कंसीडर करते हैं कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अभी जो हम ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, अनडैम्प्ड बोलते हैं।
आई मीन इसमें क्या होगा कि एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा चार्ज। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ, चार्ज, ठीक है। अब देखो एलसी ऑसिलेटर में क्या होगा कि कोई हमने क्या किया, एक कैपेसिटर, इसमें क्या होता है एलसी, आई मीन एल स्टैंड फॉर इंडक्टर और सी स्टैंड फॉर कैपेसिटर, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एलसी ऑसिलेटर रखा गया। एक ये कैपेसिटर है, एक इंडक्टर हो गया, और यहां से हमने क्या किया, स्विच कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये सी है। अभी हम मानते हैं कि एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो, ठीक है, इस पे जो चार्ज है देखो ये क्या है, ये प्लस चार्ज है ये वाला प्लेट, और ये क्या है माइनस चार्ज पे, और चार्ज क्या है क्यूनेट है, क्या है क्यूनेट है, इसका इंडक्टर क्या है एल है। अब जैसे ही आप क्या करोगे, इस पे क्या करोगे, स्विच टी इक्वल टू जीरो पे क्लोज कर दोगे, है ना, तो क्यूनेट क्या है, क्यूनेट इज द क्या है, क्यूनेट चार्ज ऑन क्या होगा, ऑन कैपेसिटर एट टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो टी इक्वल टू जीरो पे जब आप क्लोज स्विच क्लोज करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा कि इस पे देखो, इस पे अभी जो एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी क्या है, कैपेसिटर में कितना एनर्जी होता है, आप देखो इसको हम क्या बोलेंगे, यू, आई मीन यू जीरो, यू जीरो का मतलब क्या हुआ, एनर्जी एट टी इक्वल टू जीरो कितना हो जाएगा, हाफ क्यूनेट स्क्वायर बाई क्या है टू सी, और इसमें एनर्जी क्या है जीरो है, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या होगा हाफ एल आई स्क्वायर होता है, यही होता है ना, क्योंकि करंट इनिशियली जीरो है तो क्या हो जाएगा एनर्जी भी क्या है जीरो है, तो इनिशियली टोटल एनर्जी जो है क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है एस टू है, ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा जैसे ही हम स्विच कनेक्ट करेंगे तो इस पे कैपेसिटर क्या होगा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, आई मीन कैपेसिटर से क्या होगा चार्ज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और ऑब्वियसली इसमें जो होगा क्या हो जाएगा चार्ज, जब इस पे डिक्रीज होगा तो इस क्या होगा सर्किट में क्या होगा करंट फ्लो होने लगेगा, तो जब करंट फ्लो होने लगेगा तो ये जो इंडक्टर है वो क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को क्या करेगा स्टोर करेगा, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी होगा वो टाइम के साथ क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है, क्या होगा डिक्रीज होगा, और एट द सेम टाइम इसमें क्या होगा एनर्जी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा डिक्रीज होगा, और इसमें एनर्जी क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक है। अब दूसरा केस इसमें जब ये क्या होगा मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कर लेगा, उस सिचुएशन में क्या होगा अगेन क्या करेगा एनर्जी जो होगा क्या होगा ये इससे मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा डिक्रीज होने लगेगा, और फिर क्या होगा इसमें क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा एनर्जी इंक्रीज होने लगेगा, ये प्रोसेस फॉर एवर चलता है, ठीक है, ऑसिलेशन होता है इसमें, है ना। तो वही हम देखेंगे, तो देखो हम ये कंसिडर कर लें किसी टाइम टी, अभी टी इक्वल टू जीरो पे सर्किट डायग्राम है, ठीक है, एट एनी टाइम टी की बात करें तो कुछ ऐसे सीन बन जाएगा। देखो ये क्या हुआ प्लस, ये माइनस, इस पे चार्ज क्या है देखो यहां सी है, और इस पे चार्ज क्या है क्यूनेट है, ठीक है, क्यूनेट नहीं क्यू हमने मान लिया, ऑब्वियसली करंट क्या होगा ऐसे हमने मान लिया कि करंट क्या है ऐसे फ्लो हो रहा है ना, इसका इंडक्टेंस क्या है एल है, इसमें करंट आई है। एक तो हम क्या करें, एक मेथड भी है कि आपसे ये पूछा जाएगा, सुनो ध्यान से, हमको प्रूव करना है कि चार्ज क्या होगा, आई मीन एनर्जी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है ऑसिलेट हो रहा है, क्या हो रहा है एनर्जी जो है वो ऑसिलेट हो रहा है, उसको हम कैसे प्रूव करेंगे। एक तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि चार्ज किसी टाइम टी क्या होगा कैपेसिटर पे वो कैलकुलेट करना होगा, किसी टाइम टी करंट इन सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है उसको कैलकुलेट करना होगा। तो हम इसको दो तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं, एक मेथड सबसे आसान है, दोनों मेथड से हम देख लेंगे इसको कि हम कैसे कैलकुलेट करें। पहला मेथड क्या है कि बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने ये माना है कि इसमें कोई इंडक्टर क्या है आइडियल है, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है जीरो है, ये ध्यान देना है, तभी ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, ठीक है। तो मेथड देखो मेथड फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्या होगा मेथड, बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट, बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहां लिख लेना कैलकुलेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, कैलकुलेशन
ऑफ चार्ज, चार्ज इन द क्या होगा सर्किट, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, सर्किट में ऑन द कैपेसिटर, ठीक है, बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब किसी टाइम टी इस पे चार्ज क्या है, एट एनी टाइम टी की बात है, ठीक है, एट टाइम टी इस पे चार्ज कितना है क्यू है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, देखो तो क्या हो जाएगा यू ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू एम इज इक्वल टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या होता है कॉन्स्टेंट होगा यार, ये तो आपको मालूम है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब किसी टाइम टी एनर्जी ये कितना होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यू स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें स्टोर है कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो कितना होता है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी प्लस, मैग्नेटिक फील्ड में आई मीन इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो कितना होता है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा कॉन्स्टेंट, यही होगा यार। वहां भी हमने बताया था कि टोटल एनर्जी लिख करके हम क्या करते हैं उसको एक बार टाइम के साथ क्या करते थे डिफरेंशिएट कर देते थे, याद आया क्या, तो यहां भी हम क्या करेंगे अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो वन बाय टू तो यार कॉमन ले सकते हैं, वन बाय टू क्यू स्क्वायर, वन बाय टू सी कॉमन ले लें, डी ऑफ क्यू स्क्वायर डी टी प्लस वन बाय टू एल डी ऑफ आई स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं देखो ये टू टू कैंसिल कर देते हैं, क्या लिख सकते हैं टू बाई सी आई मीन देखो ये वन बाई सी क्यू डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा डी टी प्लस एल आई डी आई अपॉन क्या हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्या हो जाएगा एल आई डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। यहां से देखो कि अभी देखो डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्यू बाई सी आई प्लस आई मीन आई प्लस एल आई डी आई अपॉन क्या होगा डी टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, यहां से कॉमन ले लो आई, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एल बाई क्या हो जाएगा सी इंटू क्या हो जाएगा नहीं एल बाई एल सी माइनस वन अपॉन एल सी इंटू क्या हो जाएगा क्यू, यही होगा। अब ध्यान से देखना यहां कि इसको हम क्या लिख सकते हैं डी आई अपॉन डी टी को क्या, आई को क्या लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं डी टी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आई को हम क्या लिख सकते हैं डी टू क्यू अपॉन क्या हो सकता है डी टी टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एल सी इंटू क्या हो गया क्यू, यही होगा ना। अब आप ध्यान से देखोगे कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या है एस एच एम, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एस एच एम से कंपेयर करोगे, याद आया कि वहां क्या था देखो इधर मैं नोट्स में कि डी टू एक्स अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू क्या था माइनस क्या रहता था माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, इस फॉर्म में आता था क्या, याद आया। अब इसका डायरेक्ट हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, देखो क्या होगा ये मैंने बताया था तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं की का क्यू का कोई ऐसा वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है कि उसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर दें तो निगेटिव ऑफ सम वैल्यू इंटू वही रिपीट हो जाए, तो ऑफकोर्स देखो क्या होता है साइन और कॉसी एक ऐसा क्वांटिटी है मैथमेटिकल क्वांटिटी है जिसको आप क्या करोगे डिफरेंशिएट करोगे तो अपने आप में क्या होता है रिपीट होते रहता है, और ऑब्वियसली क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है लेकिन एक्सपोनेंशियल में माइनस प्लस चेंज नहीं होता है, साइन कॉस में क्या होगा माइनस प्लस चेंज होगा, तो इसलिए यहां क्यू क्या होगा यदि क्यू को हम साइन के टर्म में लिखें आई मीन क्यू इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग ऐसे फॉर्म में या ये कॉस ओमेगा टी प्लस समथिंग के फॉर्म में, तब आप क्या कर सकते हो इसको डिफरेंशिएट करके आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो निगेटिव ऑफ समथिंग निगेटिव इंटू समथिंग इंटू क्या हो जाएगा वो चार्ज आ जाएगा, तो इसलिए क्या होगा यहां चार्ज जो है क्या है यहां देखोगे कि चार्ज जो है वो क्या होगा साइनोसॉइडली क्या हो रहा है वैरी कर रहा है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां से देखो एस एच एम से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसका प्रूफ भी है हम प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम मैं डायरेक्ट बता रहा हूं तुमको एक मेथड भी है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं क्यू लिख सकते हैं, ठीक है,
दूसरा मेथड यहां से भी है, दूसरा मेथड चलो पहले इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां से देखो हम क्या लिख सकते हैं, मुझे ये मालूम नहीं है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, देखो यहां से इसको और हम लिखते थे, क्या लिख सकते थे, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते थे क्या। यहां कंपेयर करोगे, दोनों को कंपेयर करोगे तो यहां ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन क्या हो जाएगा, रूट एल सी, ठीक है, यही आएगा ना, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल सी, ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल सी बाई कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या होगा एस एच एन, है ना, तो ये क्या होगा हेंस, तो हम बोल सकते हैं पहले ही बोल दें हेंस क्या होगा, हेंस इक्वेशन इक्वेशन वन रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या होगा एस एच, ठीक है। अब क्या होगा देखो, यहां से ओमेगा इक्वल टू मैंने बता दिया, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, तो अब हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, यही होता है ना, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या होगा फाइन, मैंने एक जनरल सॉल्यूशन लिख दिया। अब देखो यहां क्यू को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको ये बात, फाई क्या है फेज कांस्टेंट है, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी क्या है टाइम है, फाई अब ये देखो अनोन है, ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्या है इसको कैलकुलेट, इसको हम इक्वेशन टू मान लेते हैं। अब दिया हुआ है कि एट टी इक्वल टू जीरो क्यू इज इक्वल टू क्या है क्यूनेट है, दिया हुआ है ना कि t इक्वल टू जीरो पे q इक्वल टू क्या है क्यूनट है ना, क्या हो जाएगा q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यूनट हो जाएगा, है ना, और इनिशियल चार्ज क्या है दिया हुआ, तो t इक्वल टू जीरो पे हम क्या कंसीडर कर लेंगे कि इनिशियल चार्ज क्या हो जाएगा तुम्हारा, आई मीन t इक्वल टू जीरो पे q इज इक्वल टू क्या हुआ क्यूनट हो गया, तब यहां वैल्यू रख दो तो तुमको क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आई मीन Q इज इक्वल टू ए साइन ऑफ क्या हो जाएगा फाई, ठीक है। अब यहां Q रख दो तो हमने क्या लिख दिया, आई मीन क्यू नट, नहीं ये हम गलत लिख रहे हैं, सबसे अच्छा है मैं बता रहा हूं क्या लिखो, अब आ जाए एट क्या लिखेंगे, एट T इक्वल टू क्या होगा जीरो, सॉरी T इक्वल टू जीरो Q इज क्या है, एट टी इक्वल टू जीरो क्यू इज इक्वल टू क्या है क्यूनट, ठीक है, क्या है क्यू इज इक्वल टू क्या है क्यूनट है, और यहां हमने इक्वेशन ये गलत लिखा, यहां क्या हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू क्यूनट साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा, ये क्यू क्या है मैक्सिमम चार्ज हुआ, मैक्सिमम चार्ज इसको हम क्या बोलेंगे एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम चार्ज ऑन क्या होगा कैपेसिटर, ठीक है, और ये क्या है क्यू चार्ज ऑन कैपेसिटर एट चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी, ठीक है। अब यहां से फाई को मुझे एलिमिनेट करना है, फाई का मैंने एसएचएम बताया था कि फाई को कैसे एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, दिया हुआ है कि एट t इक्वल टू जीरो क्यू इज इक्वल टू क्या है क्यूनट है, वैल्यू रख दो यहां तो क्यूनट इज इक्वल टू क्यूनट साइन क्या हो जाएगा तुम्हारा फाई, ठीक है, तो ये वन हो जाएगा, यहां से फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई टू आ जाएगा, ठीक है। दूसरे तरह से भी देखो, यहां भी हम लिख सकते थे कि t बाई फोर पे हम उस वैल्यू से भी कैलकुलेट कर सकते थे, t बाई फोर पे हम क्या लिखते हैं q क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो वहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने लिखा Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा, तो यहां से अब देखो इसमें वैल्यू रख दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा कि चार्ज किसी टाइम टी कैपेसिटर पे कितना होगा ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्या होगा तो हम लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई क्या हो जाएगा टू, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया। तो चार्ज ऑन क्या होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर कैपेसिटर एट टाइम क्या होगा टाइम टी, ठीक है,
उसके बाद क्यूनट क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज आई मीन चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टी इज इक्वल टू क्या होगा, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब एनर्जी कोई पूछे कि एनर्जी एनर्जी ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एलसी, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी एनी टाइम टी कितना होगा, देखो यू ई ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो रहा है तो कितना होगा, हाफ क्यू स्क्वायर क्या होता है सी, यही होगा ना, तो क्यू का वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा, वन बाई टू क्यू नट स्क्वायर अपॉन सी, कॉस स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कितना होगा, कॉस स्क्वायर क्या हुआ ओमेगा टी, कितना हुआ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम यू ई इज इक्वल टू, इसको यूनिट लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं यूनिट लिख सकते हैं, देखो इसको हम यूनिट लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा यूनिट कॉस स्क्वायर क्या होगा ओमेगा टी। ठीक है, यूनिट क्या हुआ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, ये क्या होगा मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, यही होगा ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी जो स्टोर होगा आई मीन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी ये होगा, उसी तरह एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो भी हम बता सकते हैं। अब देखो करंट कैसे लिखेंगे, तो करंट लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट एट एनी टाइम टी एट एनी टाइम टी। ठीक है, तो ये कितना होगा, देखो पहले अब देखो चार्ज जो है वो क्या हो रहा है टाइम के साथ क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन क्या लिखेंगे डी टी। ठीक है, क्योंकि चार्ज टाइम के साथ क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो अब यहां क्यू के जगह देखो क्यू का वैल्यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू नट अपॉन माइनस क्यू नट इंटू क्या हो जाएगा डी ऑफ कॉस ओमेगा टी डी टी, और यहां ये भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू ओमेगा को क्या करोगे तुम कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन है ना, तो हम क्या लिखेंगे क्यू नट ओमेगा साइन ओमेगा क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। टी क्या हुआ किसी टाइम टी करंट कितना होगा सर्किट में, ये अपने को मालूम, दिस इज मैक्सिमम करंट, ये मैक्सिमम करंट कितना होगा देखो वहां से ओमेगा का वैल्यू रख सकते हो तो तुमको मालूम चल जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा रूट एल सी। ये बात समझ में आई कि मैंने कहां से लिखा, क्यों, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल सी, तो ये कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी। अब किसी टाइम टी, अब यहां से भी तुम किसी टाइम टी एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा या एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं एनर्जी एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर एट एनी टाइम टी, इसको मैं यू एम मान लेता हूं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड कितना हो हाफ एल इंटू क्या होता है आई स्क्वायर, तो यू एम इज इक्वल टू वन बाई टू एल, ठीक है, इंटू आई का वैल्यू रखो यहां तो क्या हो जाएगा देखो क्यू स्क्वायर क्यू नट स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा टू आई मीन क्यू नट स्क्वायर अपॉन एल सी इंटू, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहां ये भी लिख सकते हैं यू एम इज इक्वल टू यहां देखो एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो क्या हुआ क्यू नट स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा टू सी, ठीक है, साइन
ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो देखो, तो यू एम इज इक्वल टू यूनट, अभी मैंने बताया यूनट साइन ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा। अब देखो टी इक्वल टू जीरो पे मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी क्या है स्टोर क्या है जीरो है, ठीक है, जबकि t इक्वल टू जीरो पे एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मैक्सिमम है ना। देखो ये um हुआ, मैंने अभी ue लिखा था, u इज इक्वल टू क्या होता है यूनिट है ना साइन सॉरी यूनिट कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर क्या होगा ओमेगा t, यही लिखा था ना। ये क्या हुआ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नथिंग बट द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एट एनी टाइम टी। तो यहां आप देख सकते हो अब सम ऑफ एनर्जी यहां से भी देखोगे तो देखो क्या होगा सम ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है कांस्टेंट आ रहा है। तो यहां एनर्जी अभी भी कभी कभी पूछा हुआ है कि कितने टाइम के बाद जो एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सेम होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होगा ये पूछा गया है कि किसी टाइम टी क्या होगा कि एनर्जी स्टोर्ड है एट व्हाट टाइम आफ्टर व्हाट टाइम ऑफ क्लोजिंग द स्विच The energy stored in electric field and magnetic field first time will be क्या होगा equal, क्योंकि ये periodic है। देखो साइन स्क्वायर आ रहा है cos स्क्वायर आ रहा है, इसका ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो सब मैंने बताया था ठीक है तुम लोग को SHM जब पढ़ा रहा था। तो यहां क्या होगा ये भी पूछा जा सकता है, देखो एवरेज वैल्यू ऑफ UE कितना होगा UE एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा देखो यूनिट एवरेज वैल्यू ऑफ क्या होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू जो होता है कितना होता है वन बाई टू मैंने बताया था जीरो आई मीन यूनिट अपॉन क्या होगा टू होगा। उसी तरह क्या होगा एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यूनिट बाई क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन द क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा यूनिट बाई क्या होगा टू हो जाएगा, हाफ ऑफ कितना हो जाएगा हाफ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। इसके बाद अब हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि एट आफ्टर व्हाट टाइम After what time भी क्वेश्चन पूछा जाता है after what time the energy stored in capacitor and inductor will be क्या होगा will be equal। अब तुम देखोगे देखो यहां से विल बी इक्वल, तो अब देखो एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर कितना है ये दोनों को क्या करो इक्वेट कर दो आई मीन ये पूछा गया है कि um is equal to क्या होगा ue, ये कितना हो जाएगा देखो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं ये कितना हो जाएगा इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई फोर और टी इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई फोर अपॉन ओमेगा और ये कितना हो जाएगा पाई बाई फोर रूट क्या हो जाएगा एलसी। इतने टाइम के बाद फर्स्ट टाइम इतने टाइम के बाद क्या होगा एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब जब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे इसका साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का तो तुमको मालूम चल जाएगा कि क्या हो रहा है कि जैसे देखो इसका साइन स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करोगे आई मीन यू एम ठीक है तो यू एम का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे आएगा ये बताया हुआ है ठीक है ऐसे ठीक है यही क्या हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम एनर्जी यू नट ये पीक वैल्यू सब में सेम ही ड्रॉ कर लेना ये आपका टाइम कैलकुलेट कर सकते हो तुम तो यहां देखो इतने के बाद क्या हो रहा है रिपीट होते जा रहा है ना। उसी तरह तुम क्या करोगे जब तुम ये टाइम हमने
यहां टाइम भी लिख सकते हो कि कितने टाइम के बाद, देखो एनर्जी स्टोर्ड बाई यू, एक इसका ग्राफ है यू इज यू एम इज इक्वल टू यूनिट क्या है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो ये वन कब होगा, जब ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई मीन साइन ओमेगा स्क्वायर टी इज इक्वल टू वन, आई मीन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई टू, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई टू इंटू रूट क्या हो जाएगा एल सी, तो ये क्या हो जाएगा टी वन टी टू टी थ्री टी फोर एंड सो ऑन। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। उसके बाद तुम ये भी देख सकते हो कि कितने टाइम के बाद, अब हम यदि एनर्जी ऐसे हम क्या करेंगे टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह तुम देख सकते हो यहां कि मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा यू ई, वो जस्ट अपोजिट होगा इसका, है ना। ये कुछ ग्राफ जो होगा कुछ ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर कुछ ऐसे, ऐसे क्या होगा रिपीट होगा, यहां तुम देख सकते हो, है ना ग्राफ, इसको कंसीडर करके हमने ड्रॉ किया। तो यहां जो ग्राफ आएगा क्या होगा कुछ ऐसे होगा। इसलिए क्या होता है कि हर किस, यहां एवरेज वैल्यू आपसे कोई पूछे पूछा तो कितना होगा यू एम आई मीन यूनिट बाई क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, ये क्या है एवरेज वैल्यू है। यहां भी आपसे कोई पूछेगा कि एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा तो यूनिट बाई क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, और सम ऑफ एनर्जी जो होगा ऑलवेज क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सम ऑफ एनर्जी जो होगा ऑलवेज क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी देखो वैरी हो रहा है, देखो यहां टी इक्वल टू जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी क्या है मैक्सिमम है, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज हुआ, फिर यहां जीरो हो गया, एट द उस टाइम क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी क्या हो गया मैक्सिमम हो गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी क्या हो रहा है उसके बाद डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी जीरो हो गया, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा एनर्जी क्या हो गया मैक्सिमम हो गया। तो इन एलसी ऑसिलेटर हम यहां से बोल सकते हैं कि इन एलसी ऑसिलेटर क्या होगा, इन एलसी ऑसिलेटर ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक इन एलसी ऑसिलेटर एनर्जी एनर्जी ऑसिलेट बिटवीन क्या होगा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्या होगा इन एलसी ऑसिलेटर एनर्जी जो है वो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या करता है ऑसिलेट होते रहता है क्या है टाइम के साथ, है ना। एक में जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी मैक्सिमम होगा उस समय मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी जीरो हो जाएगा, जब क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी मैक्सिमम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा है, प्रोसेस क्या होगा फॉर एवर चलते रहता है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से तुम ये भी बता सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो तुम क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस वीसी, वीसी का मतलब क्या हुआ पोटेंशियल ऑन द कैपेसिटर या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या होगा क्यू इंटू क्या होगा क्यू बाई क्या होगा सी होगा, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी अपॉन क्या हो जाएगा सी, ये वीसी हो गया, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली हम लिख सकते हैं वी एल इज इक्वल टू क्या होगा क्या होगा वी एल इज इक्वल टू क्या होता है एल डी आई अपॉन क्या होता है डी टी, यही होता है ना माइनस डी आई अपॉन डी टी, तो यहां एल क्या हो जाएगा क्यूनट है ना ओमेगा साइन ओमेगा टी, यही हुआ ना, देखो यहां से वैल्यू रख दो डी आई अपॉन क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा सॉरी डी आई अपॉन डी टी, तो ए माइनस एल ठीक है डी क्यू, पहले तुम आई आई कितना आया था आई इज इक्वल टू क्यू क्यूनट ओमेगा साइन ओमेगा टी, यही था ना, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा आई यहां साइन छोड़ दो है ना मैग्नीट्यूड ले लो क्योंकि पोलैरिटी तो केवल यहां माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है पोलैरिटी इंडिकेट करता है कि मतलब ईएमएफ जो सेल्फ इंडक्टेंस में ईएमएफ अपीयर होगा उसका पोलैरिटी क्या होगा, तो हम केवल साइन के साइन नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो यहां हम क्या लिखेंगे एल डी आई अपॉन डी टी एल आई क्या होगा क्यूनट ओमेगा ठीक है डी ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी,
और इसको डिफ्रेंशिएट करके तो क्या होगा, एल क्यू नट ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। यहां से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा, देखो क्यू नट अपॉन सी कॉस ओमेगा टी। तो किसी भी टाइम टी क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप के क्रॉस क्या हो जाएगा, इंडक्टर एंड कैपेसिटर ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। देख रहे हो ना, यहां से हम बोल सकते हैं कि वी एल इज इक्वल टू क्या होगा, वी सी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू नट अपॉन सी कॉस ऑफ ओमेगा टी फॉर एनी टाइम टी। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एज वेल एज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो रहा है, हमेशा क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा एलसी। तो एलसी ऑसिलेटर में क्या होता है, एज लाइक सब आप क्या कोरिलेट, जितने भी फॉर्मूला है आप कहां से, मैकेनिकल ऑसिलेटर से कोरिलेट करके आप याद रख सकते हो। लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि वहां एक पार्टिकल क्या होता है, ऑसिलेट होता है बैक एंड फोर्थ। आप देख सकते हो यहां डिस्प्लेसमेंट के कॉरेस्पॉन्डेंस आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो ऑब्वियसली क्या है, चार्ज है। वेलोसिटी के कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, तो करंट है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आप यहां से बता सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, कोरिलेट करके हम समझ सकते हैं चीजों को। तो एलसी ऑसिलेटर में बस इतना ही पढ़ना था, क्या क्या आपको माइंड में रखना है कि किसी टाइम टी कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। ठीक है, यदि इनिशियल चार्ज दिया हुआ है, अभी भी हो सकता है कि इनिशियली करंट कुछ दिया हुआ हो, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि करंट दिया हुआ हो तब क्या करेंगे, तो चार्ज हम लिख लेंगे, चार्ज का वही फॉर्मूला होगा जो मैंने एसएचएम में बताया था कि इनिशियली पार्टिकल एक्सट्रीम पोजिशन पे है तब क्या होगा, इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का मीन पोजिशन पे है तब क्या होगा, किस अदर देन किसी और पॉइंट पे है तब क्या होगा, तो वो अलग कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहां एक चीज ध्यान रखना कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या चीज पे डिपेंड करता है, ये भी लिख देता हूं, है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं एक जगह क्या होगा कि q चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू नट साइन सॉरी कॉस कॉस ओमेगा टी, है ना। उसके बाद हमने I इज इक्वल टू क्या लिखा था, I इज इक्वल टू क्यू नट अपॉन रूट एल सी साइन, है ना, ओमेगा टी। उसके बाद हमने लिखा था U इज इक्वल टू यू नट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। U इज यू एम इज इक्वल टू क्या होगा, यू नट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बस ये तुमको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू क्या था, वन अपॉन रूट एल सी। ठीक है, यही इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो तुमको क्या करना चाहिए, ये माइंड में रखना चाहिए कि चार्ज, जनरल चार्ज का इक्वेशन क्या है, क्यू नट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस था, यदि जनरल कोई पूछे और फिर कंडीशन दिया होगा, हम वहां से कैलकुलेट कर लें क्यू नट क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई का वैल्यू यहां से जो कंडीशन दिया हुआ होगा उस कंडीशन को यूज करके हम क्या करते हैं, फाई का वैल्यू कैलकुलेट। जैसे दिया हो कि इनिशियली चार्ज क्या होगा, कैपेसिटर पे चार्ज जीरो होगा, क्या होगा, तो यहां हम क्या लिखेंगे, टी इक्वल टू जीरो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो फाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। तो ऐसे हम क्या करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये भी कितने टाइम के बाद, ये भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इसको भी नोट कर लेना कि U इज इक्वल टू क्या होगा, यू एम एट टी इक्वल टू पाई रूट क्या होगा, एल सी नहीं, पाई बाई फोर रूट एल सी। ठीक है, ये तो इतना ही इसमें क्या है, तुमको फॉर्मूला पढ़ना है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।